अधिकारियों ने पारंपरिक जबरन जोत किसानों को खेती करने से रोकने पर जैसे को तैसा जवाब देने का इशारा वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता राजू झोड़े ने दिया। पिछले कई वर्षों से आदिवासी और अन्य पारंपरिक वन निवासी जबरन जोत किसान खेती कर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। ऐसे जबरन जोत किसानों को खेती से वंचित करने का कृत्य वन विभाग के अधिकारी और वन अधिकारी कर रहे हैं, ऐसा आरोप राजू झोड़े ने किया। आज मूल तहसील के अन्यायग्रस्त किसानों को लेकर राजू झोड़े ने तहसीलदार से चर्चा की और उक्त खेती के दावे प्रलंबित रहते वन अधिकारियों ने किसानों को खेती करने से न रोके ऐसा तत्काल आदेश निकाले ऐसी मांग की। वन विभाग के अधिकारी किसानों को यदि खेती करने से रोकेंगे तो स्वयं कानून हाथ में लेंगे। इस तरीके से किसानों को साथ लेकर जवाब देने का इशारा वन प्रशासन को राजू झोड़े ने दिया। जबरन जोत किसानों ने राजू झोड़े के नेतृत्व में तहसीलदार मूल इन्हें निवेदन दिया। किसानों को प्रशासन ने तत्काल न्याय नहीं दिया तो जबरन जोत किसान पूरे परिवार को लेकर तहसील कार्यालय के सामने धरना आंदोलन करेंगे, ऐसा इशारा राजू झोड़े ने प्रशासन को दिया।